नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। यूपी पुलिस में नौकरी का सपना संजोए युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है और जरूरी खबर भी है। यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने 67,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर लिया है। इस अहम बदलाव के बाद इन 67,000 पदों पर भर्ती के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू हो जाएगी। इसके लिए बोर्ड ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था बनाने के लिए कंपनियों से आवेदन मांगे हैं। यह सुविधा मिलने पर अभ्यर्थी भर्ती में अलग अलग पदों पर बार बार आवेदन करने की दुश्वारियों से मुक्त हो जाएंगे। यूपी पुलिस में 52,699 सिपाहियों की सीधी भर्ती सहित उपनिरीक्षक के 2,469, रेडियो ऑपरेटर के 2,430, कंप्यूटर ऑपरेटर के 927 और जेल वार्डन के 2,833 पदों सहित 67,000 पदों पर भर्ती होनी है। सिलसिलेवार ढंग से चलने वाली इन भर्तियों में इच्छुक अभ्यर्थियों को अलग अलग पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इसे देखते हुए भर्ती प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा रहा है। इसी के तहत वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की जा रही है। इस व्यवस्था के अमल में आने पर अभ्यर्थियों को अपनी डिटेल बार बार नहीं देनी होगी और अपना फोटो व हस्ताक्षर भी केवल एक ही बार अपलोड करना होगा। यूपी पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक यह काम जिस कंपनी को सौंपा जाएगा उसे सॉफ्टवेयर डेवलप करना होगा। साथ ही उस कंपनी के पास डिजी लॉकर सहित सभी प्रमुख बैंकों से लिंक और बल्क में मैसेज भेजने की सुविधा होनी चाहिए। इस बदलाव सहित बोर्ड ने ETRP यानी ई ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट सिस्टम बनाने पर भी काम शुरू किया है। इसके लिए ऐसी कंपनियां आमंत्रित की जा रही हैं जिन्होंने पहले भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, PSU, मेडिकल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और पुलिस बलों में भर्ती का काम किया है। दरअसल यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को 67,000 की इस भर्ती प्रक्रिया में 25,00,000 से भी अधिक आवेदन आने की उम्मीद है। इससे पहले की सिपाही भर्ती में यह संख्या 23,00,000 पहुंची थी। इस बार पद ज्यादा होने से बोर्ड को और भी ज्यादा आवेदन आने की उम्मीद है। बीते कई साल से युवा यूपी पुलिस की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। अधिक आवेदन आने की वजह या इंतजार भी हो सकता है, लिहाजा अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा जैसी बड़ी राहत देने की तैयारी है। इस महत्वपूर्ण खबर की स्क्रिप्ट तैयार की है हमारे सहयोगी वीरेंद्र मिश्रा ने और कैमरे के पीछे है हमारे कैमरामैन सिद्धांत पांडे। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।